गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, आज मैं आप सभी लोग के लिए एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। जो व्यक्ति ये चाहता, ये कहता है लाइफ में समय गुजरने के बाद वो ये कहती है कि मुझे भगवान सपोर्ट नहीं किए, ये मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं किए। चलिए, आज मैं वह बात बोलने से पहले मैं आपका हक छीन लेने वाली एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसके माध्यम से आपको सीख मिलने वाली है। चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। जैसे मैं आप लोग बता दूँ, यह एक ऐसी कहानी है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही बेहतर काम देने वाला है, तो आप लोग बेहतर तरीका से समझने प्रयास कीजिए। चलिए, जैसा कि एक साधु बाबा था, उन्होंने अपने गांव में हमेशा एक ऐसा मंदिर था, उस मंदिर में हमेशा पूजा पाठ करता था। हाँ जी, वो मंदिर में क्या करता था, हमेशा पूजा पाठ करता था। अक्सर हुआ क्या, वहाँ का जो स्थान था, वहाँ का जो जगह था, माहौल था, बिल्कुल समतल एरिया था। कई बार हुआ क्या कि बहुत तेजी से बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। तो बारिश होने के बाद होता क्या है, जब समतल एरिया होता है ना, तो बाढ़ बहुत तेजी से आ जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो उस एरिया में लोग थे, जैसा बारिश हुई उसके अनुसार, जो बाढ़ आने की संभावना हुई उसके अनुसार, अपने अपने स्थान से उठकर भाग दौड़ कर ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाने का प्रयास किया। लेकिन वहाँ का एक ऐसा साधु था, एक ऐसा पंडित था, उन्होंने हमेशा अपना गांव में पूजा पाठ करता था। उन्होंने चाहा कि मैं कहीं ना कहीं भगवान को सेवा करता हूँ, भगवान को पूजा पाठ करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इतनी तेजी से बारिश हो रही है तो मुझे कोई बचाएगा नहीं, अगर बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। चलिए, तो हुआ क्या ना कि उस व्यक्ति जो था, मतलब जो साधु था, उन्होंने क्या किया, जिस मंदिर में पूजा पाठ करता था हमेशा, जिस मंदिर का भगवान को सेवा करता था, वहाँ पे चले गया और वहाँ पे मतलब कि प्रार्थना किया कि मुझे आपको बचाना होगा क्योंकि इतनी बारिश तेजी से हो रही है। तो उन्होंने हुआ क्या, वहाँ पे जाने के बाद तेजी से बारिश होती, जैसे जैसे बारिश होते गई वैसे वैसे बाढ़ बढ़ते गया। बहुत तेजी से बारिश बढ़ते बढ़ते मतलब मंदिर के ऊपर भी मतलब कि बाढ़ बढ़ने लगी। तो हुआ क्या ना, मंदिर के ऊपर चढ़ गया कौन, जो साधु था वो, ठीक है। अब हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, मंदिर के ऊपर तो चल गया लेकिन पानी धीरे 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 मंदिर के ऊपर भी जाने लगा। तो एक व्यक्ति ऐसा था जो कि नाव लेके उसके पास चला गया। जाने के बाद उस व्यक्ति से कहा, साधु व्यक्ति से कहा कि भाई साहब, आप इस नाव पे आ जाइए क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बाढ़ हो रही है कि आप बह भी सकते हो, आप इस नाव में आ जाइए, मैं आपको बाहर निकालूंगा। तो उस व्यक्ति का कहना था, जो साधु महाराजा था, जो पंडित था, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बचाएगा सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, इसके अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि मुझे बचा सकता है। तो जो नाव वाला व्यक्ति था वो फिर वापस चल जाता है, ठीक है। तो वो वापस चल जाता है। फिर हुआ क्या ना कि फिर जैसे पानी बारिश होते गए बढ़ते गया, तो कहने तात्पर्य है कि तो फिर उस व्यक्ति ने समझ नहीं पाया, जिन्होंने कौन साधु, इतनी बारिश पड़ रही थी उन्हें चला जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाया। उन्हें लगा कि मुझे बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, फिर पानी जो है धीरे धीरे और बढ़ती गया, बारिश होती गई और बढ़ती गया, तो पूरा जो है ना मंदिर के ऊपर चढ़ गया। अब वहाँ पे भी पानी उसका मंदिर के ऊपर में भी चला गया। अब हुआ क्या, वहाँ पे भी उस समय भी एक व्यक्ति ने पानी जहाज लेके चला गया और उन्होंने कहा, भाई साहब, आप इस पानी जहाज में आ जाइए, नहीं तो इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज बाढ़ आ रही है कि आप बह भी सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर कहा, नहीं, मैंने इस मंदिर पे हमेशा पूजा पाठ करता हूँ, इस भगवान को मैं हमेशा सेवा किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बचाएगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, इसके अलावा इस धरती पे कोई इंसान नहीं हो सकता है, इतनी बारिश पड़ रही है जो कि मुझे बचा सकता है। तो उन्होंने फिर इनकार कर दिया। तो उन्होंने जो पानी जहाज वाला जो व्यक्ति था वो भी फिर वापस चला गया।
ठीक फिर इसी प्रकार पानी तेजी से बढ़ते बढ़ते उसके गर्दन में चला गया। किसकी गर्दन में? जो साधु था, जो पंडित था, उसी गर्दन में पानी चला गया। अब वहाँ पे हुआ क्या, फिर ऊपर से एक हवाई जहाज लेके गया और उस व्यक्ति ने एक लस्सी दिया। लस्सी देने के बाद उन्होंने कहा साधु भाई साहब से कि भाई साहब आप इस रस्सी को पकड़िए क्योंकि इतनी बारिश हो रही है कि आप 100% बच सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसका जवाब एक ही निकल गया, नहीं मुझे कोई बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, इसके अलावा इस धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि मुझे बचा सकता है क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, बारिश इतनी तेज़ी से हो रही है। तो फिर उन्होंने, उसको लगा कि नहीं शायद मेरी बातों को ये समझ नहीं पा रहे। फिर उन्होंने क्या किया, जो हवाई जहाज जो रस्सी दे रहा था वो फिर अपना स्थान पर चले गए। तो अंतिम में फिर बारिश इतनी तेज़ी से हो रही थी, बाढ़ के माध्यम से इतनी तेज बाढ़ बह रही थी कि वह फिर बह गया। अंतिम में बहने के दौरान हुआ क्या कि वह पानी पीने मतलब कि डूब गया, पानी पीने लगा, फिर वो मर गया, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद अक्सर में होता क्या है, प्रत्येक इंसान भगवान के पास चला जाता है, उसका आत्मा। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आता होगा। उसका आत्मा जब ऊपर में चला जाता है तो वहाँ पे क्या है ना, भगवान का जो स्थान होता है वहाँ पे चले जाता है। वहाँ पे जाने के बाद भगवान को गाली गलौज देने लगता है। किन्होंने? जो साधु होता रहता है उन्होंने। कहते क्या है कि यार मैं आपको इतना सेवा धर्म किया, आपको इतना पूजा पाठ किया, फिर भी आप 1% मेरे लिए ख्याल नहीं रखे, हमको बचाए नहीं, आपको तो इतना गाली गलौज देने लगा मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने जो भगवान था वो अपने साइड में कुर्सी लाया और उन्होंने मतलब कि उनको कहा, जिन्होंने साधु भाई था उसको जो उनको कहा कि आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए। बैठने के बाद उसको भगवान ने उसको पूछा, उसको समझाने प्रयास किया, ये पूछने का प्रयास किया, भाई साहब आप तो ये बता कि जब बारिश हो रही थी उस वक्त कोई नाव लेके गया था जब बाढ़ बह रही थी उस टाइम पे? तो बोला जो साधु बाबा था, बोला हाँ कोई नाव लेके गया था, वो हम ही थे। फिर भी तू ना समझा, मैं आपके प्रति इतना एहसान मान रहा था, आपको इतना ख्याल कर रहा था कि मैं आपको विश्वास नहीं दिलाता, विश्वास कर नहीं सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया कि जब बारिश तेजी से बढ़ते गई, जब आप ऊपर में चल गए मंदिर के ऊपर में, तो वहाँ पे भी मैं आप मतलब कि कोई पानी जहाज लेके गया था, तो हाँ वो तो गया था, फिर भी तू ना समझा, मुझे इतना बेहद दुखी हो रही थी, फिर भी आप जब आपका माइंड में माथा में पानी चल गया, ऊपर से कोई लस्सी दिया था हवाई जहाज से, तो बोला था हाँ दिया तो दिया था, वो भी हम ही थे, जब तू ना समझा इसमें मेरा क्या दोष है। याद रखना, मैं मानता हूँ क्या भगवान को पूजा पाठ करते थे और मुझे सेवा धर्म करते थे, मैं मानता हूँ 100% मानता हूँ, लेकिन भगवान किसी ना किसी के माध्यम से आपके पास पहुंचा था, ये आप ना समझे, ये मेरा दोष नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गलती है तो आपका गलती है। तो मैं आप सभी लोग से ये अनुरोध करता हूँ कि हो सकता है आप सभी लोग इस पर समय के अनुसार आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि मुझे क्या करना है। मैं वो हक छीन लेता हूँ आप सभी लोग को कि वो समय आने के बाद कोई भगवान को दोष मत दीजिएगा कि यार मुझे भगवान अगर साथ देता तो कहीं और मैं रहता, या तो मेरा मम्मी पापा कहीं सपोर्ट करता तो मैं कहीं और कहीं अच्छे जगह पे होता। मैं ये बात बोलने से पहले मैं आप सभी लोगों का हक ये छीन लेता हूँ, आज के बाद आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि हो सकता है भगवान के रूप में मैं आप सभी लोगों के बीच आने का प्रयास किया हूँ। सो मैं अपनी कहानी को दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।